शेल्टर में विज़िट करने आई हूँ। यहाँ पे आप काम की प्रोग्रेस जो है मैं आपको अपडेट करती हूँ। दीवारें जो है आपके सामने ये दीवारें हैं ये खड़ी हो रही हैं, जो बाउंड्री वॉल है वो बननी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी बाउंड्री बनेगी तो एक कोने से हमने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ जो क्लिनिक बन रहा है बच्चों के लिए, हॉस्पिटल बन रहा है छोटा सा, उसका आज घंटा जो है वो डल रहा है। जो हमारे स्टाफ हैं उसके क्वार्टर रेडी हो गए हैं, क्योंकि पहले उन्हीं को भी साथ रहना पड़ेगा, मेरे को भी साथ रहना पड़ेगा बच्चों से। तैयारी हो रही है, उसका लेंटर डल रहा है, इसकी लेंटर की तैयारी हो रही है। वो जो है क्लिनिक का लेंटर डल चुका, स्टाफ के क्वार्टर हैं जो बन गए हैं आपको लेकर जाना है। घर बनाने के लिए हमारी हेल्प कर सकती हो। ये जो घर बनेगा ये पठानकोट पंजाब से पंजाब में बनेगा, और यहाँ पंजाब एरिए का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सबसे सुंदर शेल्टर हम बनाएंगे। एक मिसाल बनेगा ये पूरे देश में, जहाँ पे बिल्कुल इन बच्चों के लिए रहने के लिए सुकून भरी ज़िंदगी होगी। और हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे ताकि इन बच्चों को सताया ना जाए, इन बच्चों की हेल्प की जाए। तो हम दिन रात इन बच्चों के लिए काम करते हैं, तो प्लीज़ आप भी आगे आइए और मेरे हाथ से हाथ मिलाइए ताकि हम इनको एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो दे सकें। तो जहाँ पे हमारा न्यू शेल्टर बिल्ट हो रहा है इन बच्चों का, आज मैं वहाँ पे विज़िट करने आई हूँ। वहाँ पे काम भी लगे हुए हैं, पर सबसे पहले मैं आपको ये नन्हे बच्चे दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो हमारे शेल्टर में अब रेजिडेंस है। ये पहले रेजिडेंस है क्योंकि इनकी माँ ने यहीं पे ही रहती थी और यहीं पे बच्चे दिए हैं हमारी जगह पे, तो ये यहीं रहते हैं। हमारे से इनकी जान पहचान हो गई है। तो इनकी मदर जो है कल से थोड़ी ढीली है, ये सड़क साथ ही लगती है, बच्चे सड़क पे चले जाते हैं तो मुश्किल होता है। 6 बच्चे हैं ये, तो हम इनके लिए 7 बच्चे हैं, हम इनके लिए केज लेके आए हैं ताकि रात को हम इनको बंद कर सकें, क्योंकि सुबह तो कोई ना कोई होता है यहाँ पे इनको देख लेता है, वरना ये इतने छोटे हैं कि गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। तो ये 7 बच्चे यहाँ जो है इसकी रौनक को बढ़ा रहे हैं, इसकी रो मैं कह रही हूँ कि 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों के लिए बन रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए ये जो है परमानेंट रेजिडेंस बन रहा है, तो हमारे ये पहले रेजिडेंस हैं। तो ये केज बंद कर जाएंगे, यहाँ पे ये लोकल बच्चे हैं जो इनका बहुत ध्यान रखते हैं, इनको संभालते हैं, सड़क पे जाने नहीं देते, पर रात को बच्चे भी शाम को चले जाते हैं अपने घरों में। तो इनकी सेफ्टी के लिए हम ये केज लाए हैं कि रात को हम इनको सेफली बंद कर जाया करें। तो ये नन्हे से फरिश्ते हैं, यहाँ के पहले रेजिडेंस जो है ये है, और वो उनकी माँ है जो यहीं रहती है। बच्चा आप देख रहे हो, इसने ही हमारे जो शेल्टर जब हमने स्टार्ट करा था इससे हमने उद्घाटन कराया था। ये उस दिन से लेके आज तक
टिल डेट जब से हमारी कंस्ट्रक्शन लगी है ये यही रहता है, जैसे ये वॉच कर रहा हो, अपनी देख रेख में ये काम कराता है। मैं चाहे रोज आऊं ना आऊं, इसकी इसने अपनी ड्यूटी जो है वो हर रोज की ले ली है। ये यही सोता है और यही खा के ये वापस पता नहीं कहाँ रहता है कहाँ नहीं, ये बिल्कुल नहीं जाता। इसने इसी को अपना परमानेंट घर बना लिया है और ये पूरे काम की इंस्पेक्शन जो है करता रहता है और भगवान से हमारे लिए प्रेयर करता रहता है कि ये काम जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो। तो ऐसे नन्हे मुन्ने फरिश्ते भी हैं हमारे पास, एक फरिश्ता वो बैठा है, इसकी माँ भी यहीं रहती है, ऐसे 7 बच्चे हैं, ये 7 फरिश्ते हैं, ये भी यहीं रहते हैं। तो इन फरिश्तों के होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये ईश्वर से अपने भाग का जो है वो मांग के लाते हैं जो हमारे काम आता है और हमारी ये कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है।